स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का जानी नेचर क्यूरियोसिटी के नए वीडियो में। और आज का हमारा सब्जेक्ट बहुत ख़ास है क्योंकि ये अर्बन सेटिंग्स में भी देखे जाने वाला एक कॉमन बर्ड है और एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड है जिसको वाइट थ्रोटेड किंगफिशर या फिर वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है हेल्सियन स्मिरिनेंसिस और इनको लोकल भाषा में महाराष्ट्र गुजरात में किलकिला कलकलियो और खंडिया के नाम से जाना जाता है। जनरली ये जो कलरफुल किंगफिशर है इनको हम ओपन परचेस में देखते हैं, जो पर्च यानी कि बैठने की जगह होती है वहाँ पर देखते हैं। अर्बन सेटिंग्स में ये इलेक्ट्रिकल वायर्स पे बैठे हुए दिखाई दे जाते हैं और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्रॉस इंडिया। इनको हम पानी के स्रोत से दूर भी देख सकते हैं क्योंकि इनका जो डाइट है वो डिपेंडेंट नहीं होता है सिर्फ फिश पर, ये दूसरे कई सारे जानवरों का शिकार करते हैं, छोटे रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, क्रैब्स का, रोडेंट्स का, ड्रैगन फ्लाइज, यहाँ तक कि ये छोटे पक्षियों को भी खाते हैं, पक्षियों का भी शिकार करते हैं। ब्रीडिंग सीजन में अर्ली मॉर्निंग में हमको इनकी जो लाउड कॉल है वो सुनाई देती है अर्बन एरियाज़ में भी, क्योंकि ये जो सबसे टॉप वाली पोजीशन पर बैठकर बहुत ही खूबसूरत आवाज़ निकालते हैं ब्रीडिंग सीजन में। और ये जो वाइट थ्रोटेड किंगफिशर है इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन मैं आपको दे देता हूँ। 28 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ होती है और डाइवर्स हैबिटेट में इनको देख सकते हैं, अर्बन एरियाज हो या फिर फॉरेस्ट हो। और इनका जो सॉलिटरी नेचर होता है और पेशेंट पर्चिंग करते हैं यानी कि एक जगह पर बैठे रहते हैं, ख़ास तौर पर वाटर बॉडीज़ के आसपास अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं जो कि फ़िश मोस्टली होती है या फिर दूसरे इंसेक्ट्स हो गए, और फिर झपट्टा ये मारते हैं और फीड्स ये फीड करते हैं। जैसा कि मैंने कहा वैरायटी ऑफ इनका प्रे बेस बहुत बड़ा है और इनका जो नेस्ट होता है वो ट्री में जो पेड़ों में जो छेद होते हैं या फिर रिवर बैंक होती है वहाँ पर सुरंग जैसा बना करके या वहाँ पर अंडे देते हैं और दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं नेस्ट बिल्डिंग में और केयर करने में यंग वन का। साथ ही में अगर हम देखें तो ये जो स्पीसीज़ है बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक स्पीसीज़ है, हमारे जो रिच एवियन बायोडाइवर्सिटी है इंडियन लैंडस्केप की उसमें, और इनको हम एक तरीके से जूल बोल सकते हैं इंडियन एविफोना का। ये जो किंगफिशर की स्पीसीज़ है और दूसरे कई सारे किंगफिशर्स हैं वो उनके वाइब्रेंट प्लूमेज के कारण जाने जाते हैं, रिनाउंड है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ है उसमें आप देखोगे कि यूज़ है इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का, ऑरेंज और वाइट कलर। ये जो पिगमेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके ये कलरेशन में उनको मेलानिन और कैरोटिनॉइड्स कहा जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके ये कलर में। और किंगफिशर्स अडैप्ट करते हैं वाटर बॉडीज़ में भी, मछलियों को पकड़ते हैं, जो कि इनको दूसरे पक्षियों से काफ़ी अलग बनाता है। इनकी जो लॉन्ग शार्प बिल होती है उससे ये एक स्पेशलाइज्ड टूल की तरह यूज़ कर पकड़ भी सकते हैं और जो स्लिपरी इनका जो शिकार होता है ख़ासतौर पर मछलियाँ वो छूट भी नहीं पाती। और इनकी आई साइट बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल होती है और ये लोकेट कर पाते हैं फिश को पानी के नीचे। एंशिएंट इंडिया में किंगफिशर को बहुत ही ऑस्पिशियस दर्जा दिया गया है और एक शुभ चीज़ मानी जाती है अगर आपको किंगफिशर दिखाई देता है तो। इनको हमारे धर्म में कामदेव के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। किंगफिशर एक इंडिकेटर है हेल्दी इकोसिस्टम का, ख़ास तौर पर वाटर बॉडीज़ की हेल्थ को ये दर्शाते हैं और इनका प्रेजेंस हमें दर्शाता है कि अबंडेंस है स्मॉल फिश और इनवर्टिब्रेट्स की। नेटिव प्लांट्स अगर हम वाटर बॉडीज़ के आसपास लगाए तो इनकी सर्वाइवर में हम मदद कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो चैलेंज है हैबिटेट लॉस के कारण इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखी जा रही है, तो जो अर्बनाइजेशन हो रहा है और वाटर बॉडीज़ कम होती जा रही है, ग्रीन स्पेसेस कम होते जा रहे हैं, जो कि आम चीज़ देखी गई है स्पीसीज़ में जो डिक्लाइन हो रही है। और पोल्यूशन, जो वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसके कारण भी इनकी पॉपुलेशन में गिरावट आई है।